कि हमारे बस उन ख्वाबों में रहे हम तो बड़ी अच्छी बात है। मैं तो उनको ये समझती हूँ कि वो डे ड्रीमिंग है। सीधे सीधे ह्यूमन राइट्स के प्रॉब्लम्स हैं, इंतहा पसंदी के प्रॉब्लम्स हैं। कोई हिंदू अपनी दुकान करता है उसको कोई जाके जला देता है, आगे से कोई एक्शन नहीं होता। अब इसमें आप पता नहीं कौन सा निजाम लाने की कोशिश कर रहे हैं। द पॉइंट इज कि जो एक फैक्ट्स हैं ऑन द ग्राउंड, जो रियलिटी है, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, जो इंतहा पसंदी की सोच है जिसमें आप कोई डिफरेंस बर्दाश्त नहीं कर सकते, कोई दूसरा मजहब बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपने उनके त्योहारों में जरूर आग लगानी है, आपने जरूर उनको जो एक गद्दार कह के पकड़, इस किस्म के एटीट्यूड्स को हम क्यों ग्लॉस ओवर करें, पर्दे डालें। ये रियलिटीज हैं, इनको डील करना है। मैं समझती हूँ हमें एडमिट करके अगर डील करेंगे कि हमें ये बुराइयां हैं तो शायद हमारी ज्यादा आंखें खुली रहें। अगर ख्वाबो ख्याल में कोई अपने पुराने जमाने के रोमांस ढूंढते रहेंगे, क्योंकि मैं समझती हूँ इस खित्ते में तमाम मजाहिब आए। मैं नहीं समझती कि हम सिर्फ मुसलमान लोग हैं। मैं समझती हूँ इसी खित्ते में हम बुद्धिस्ट भी थे, इसी खित्ते में हम हिंदू भी थे, इसी खित्ते में हम मुसलमान थे। मैं अपने आप को इस धरती से जोड़ती हूँ। और कोई अगर किसी को नशा या ख्वाबो ख्याल हो कि हम फलाने थे तो हम फलाने, हम वो नहीं थे, वो इन्वेडर्स थे, वो हम पे आए और हमने मजहब दूसरा कबूल किया, हम इस धरती के लोग हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमारे पांव जरा जमीन के ऊपर छूने चाहिए और हमारा सर जो बादलों में होता है उसको जरा बादलों से निकलना चाहिए। अच्छा। और जो प्रॉब्लम्स हैं वो हैं। अगर दुनिया हमें समझती है कि हम टेररिस्ट हैं तो इतना गलत भी नहीं समझती। उसामा हमारे घर से 5 साल के बाद निकला है, ये हमें जरा रियलिटी को फेस करना चाहिए।